हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार वापसी कर ली है। ग्रुप ए में शामिल टीम इंडिया ने अपने तीसरे मैच में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की ये लगातार दूसरी जीत है। इसके साथ ही भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण भी अब कुछ हद तक आसान हो गया है। हालांकि अंतिम चार में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना होगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। इस हार के कारण टीम इंडिया रन रेट में काफी कम हो गया था। भारतीय टीम का दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था। इस मैच में टीम इंडिया ने जीत तो हासिल की, लेकिन रन रेट में सुधार नहीं हो पाया। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ मिली बड़ी अंतर से जीत के बाद अब वो पॉइंट्स टेबल में +0.576 रन रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है। ऐसे में आइए समझते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या है टीम इंडिया के लिए समीकरण। टीम इंडिया के 3 मैचों में 4 अंक हो गए हैं। भारतीय टीम को अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। ऑस्ट्रेलिया अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होगी। सेमीफाइनल में अगर भारतीय टीम को पहुंचना है तो उसे हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, जिससे कि 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल हों। ऐसे में अब बात ये आ जाती है कि अगर भारतीय टीम मैच नहीं जीत पाती तो क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। यहां पर एक समीकरण ये बन रहा है कि अगर टीम इंडिया अपना अंतिम मैच नहीं जीत पाती है तो ऐसी स्थिति में उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा, खास तौर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर। भारत और श्रीलंका को छोड़कर ग्रुप ए में सभी टीमों को 2-2 मैच खेले हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अभी 2 मैच बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत चाहेगा कि वो ये दोनों टीमें अब एक भी मैच नहीं जीते। अगर ऐसा होता है तो बेहतर रन रेट के साथ 4 अंक लेकर भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का हो जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम अब अपना एक भी मैच नहीं जीत पाए। वहीं श्रीलंकाई टीम लगातार 3 मैच हार कर रेस से बाहर है। वहीं आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अभी तक बल्ले से फेल रही स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े थे। इस दौरान स्मृति मंधाना ने 38 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी। शिफाली वर्मा ने 40 गेंदों में 43 रन बनाए। मंधाना आउट हुई, वहीं चमारी अट्टापट्टू ने शिफाली को आउट किया। भारत के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जमीमा और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी उठाई। जमीमा ने 10 गेंदों में 16 रनों का योगदान दिया। वहीं दूसरे छोर से हरमनप्रीत कौर की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही और 27 गेंदों में उन्होंने 52 रन ठोके। रचा घोष 6 रन बनाकर नाबाद रही। भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। वहीं पूरी श्रीलंकाई टीम 19.5 ओवर में 90 रन ही बना सकी। भारत ने 2014 के बाद T20I वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। साल 2014 में भारत ने 69 रन से जीत दर्ज की थी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें क्रिकेट केसरी।